जय माता दी। दशहरे का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन रावण दहन के साथ शमी पूजा भी की जाती है। शमी पूजा विजयदशमी के दिन किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। किसी भी नगर या शहर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित शमी का पेड़ पूजन के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यदि शमी का वृक्ष आसपास नहीं है तो पूजा के लिए अशमंतक, जिसे बहेड़ा भी कहा जाता है, पूजा में हम उसको सम्मिलित कर सकते हैं। शमी पूजा को बन्नी पूजा और जम्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है भारत के कुछ दक्षिण के राज्यों में। हर साल ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन होती है। विजयदशमी पर माँ दुर्गा ने महिषासुर का नाश किया था, इसलिए इस दिन शस्त्र पूजा भी होती है। शमी पूजा का कारण क्या है, आइए जानते हैं। ऐसी कथा है कि महाभारत काल में पांडवों ने शमी पेड़ के ऊपर अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, जिसके बाद से ही उन्होंने कौरवों से जीत की प्राप्ति हासिल की थी। शमी पूजा विजय काल में करना फलदायी होता है। शमी वृक्ष की हर रोज पूजा से परिवार में सुख शांति आती है। इस दिन माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को नियंत्रण करने के लिए भी दशहरे की पूजा बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। शमी वृक्ष की पूजा के लिए हम इस मंत्र का जाप करते हैं। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।